केंद्र शासन के द्वारा गरीबों को चावल देने की योजना पूरे देश में लागू की गई है, जहां गरीब तबके के लोगों को लाभान्वित होने का अवसर प्राप्त होता है। वहीं इस पर बड़े स्तर के व्यापारियों की नजर भी टिकी होती है। आज संतोषीपारा कैंप 2 गणेश चौक के शासकीय सस्ते अनाज की दुकान में राशन की कालाबाजारी होने की खबर लगते ही खाद्य विभाग एवं पुलिस विभाग द्वारा छापामार कार्यवाही की गई और दुकान में ताला लगाकर चस्पा चिपका दिया गया है। दिन भर अफवाहों का बाजार गर्म रहा, वहीं ये भी कहा जा रहा है कि पीडीएस में भारी अनियमितता बरती जा रही है। मिट्टी तेल शक्कर को खुले बाजार में बेचा जा रहा है, वहीं आम लोगों को इसकी पूर्ति नहीं की जा रही है, जिसकी वजह से लोगों के घर मिट्टी तेल शक्कर व अन्य खाद्य सामग्रियां भी नहीं पहुंच पा रही है। एक और जहां केंद्र शासन ने प्रत्येक व्यक्ति के पीछे 5 किलो चावल व अन्य खाद्य सामग्री देने का निर्णय लिया है, ये भी कागजी कार्रवाई तक ही सीमित रह गई है। ग्रैंड न्यूज के लिए निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट।